नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बीए सेकेंड ईयर भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में बड़े ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर भूगोल के सेकेंड पेपर के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रथम पेपर में हमने विश्व के प्रादेशिक भूगोल के बारे में जाना था। ठीक इसी प्रकार सेकंड पेपर आपका इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के नाम से रहेगा, अर्थात आर्थिक और संसाधन भूगोल। आपको पता है कि पिछले वर्ष आपने प्रथम वर्ष में अर्थात बीए फर्स्ट ईयर में भूगोल की दो प्रमुख शाखा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, भूगोल विविध शाखाओं में उपविभाजित होता रहा है। तो इसमें देखिए, इकोनॉमिक और रिसोर्स ज्योग्राफी प्रमुखतः यह आर्थिक भूगोल से संबद्ध क्षेत्र है। अतः इस लेक्चरर में हम सेकंड पेपर के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें इस पेपर में किन किन पहलुओं का अध्ययन करना है। क्योंकि यदि हमारे दिमाग में सिलेबस का एक फ्रेमवर्क क्लियर रहता है तो हमें चीज़ें बहुत ही सहज और सरल लगती है। हम देखेंगे जिस प्रकार से फर्स्ट पेपर 5 यूनिटों में विभक्त था, ठीक उसी प्रकार सेकंड पेपर भी 5 अलग-अलग इकाइयों में विभक्त किया गया है। देखते हैं प्रथम यूनिट इसकी। ये देखिए, यूनिट प्रथम को भी वापस A, B, C, D और E 5 उप विभागों में विभाजित किया गया है। तो यूनिट फर्स्ट जो है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है, डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अर्थात इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल की परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसका स्कोप यानी क्षेत्र क्या है। तो हमें ये समझ में आ जाएगा, जिस प्रकार से हमने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का जो प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया था, उसमें देखा था कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या होती है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्कोप कैसा है। ठीक इसी प्रकार आर्थिक भूगोल के बारे में उन्हीं चीजों को वापस पढ़ना है। तो मैं अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आर्थिक भूगोल वास्तव में है क्या। अगला है रिसेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसकी रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, नवीन अद्यतन प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, और इट्स रिलेशन विथ इकोनॉमिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट। और इस आर्थिक भूगोल का जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और उससे जो सह विषय है उसके, उससे क्या संबंध है, अर्थात हमें वर्तमान में आर्थिक भूगोल की नई प्रवृत्तियों के बारे में और अन्य जो आर्थिक क्षेत्र के जितने भी सब्जेक्ट है उनसे आर्थिक भूगोल का क्या संबंध है, कैसे दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के पूरक है या नहीं है, या विरोधाभासी संबंध है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। फिर अगला है थर्ड, देखिए यूनिट फर्स्ट का जो थर्ड टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक्स आर्थिकी का क्लासिफिकेशन क्या है और जो स्थानिक जो संगठन की क्या व्यवस्था रहती है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, अर्थात प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। आपने स्कूल एजुकेशन में ये पढ़ा होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रमुखतः 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम कृषि कार्य और उससे संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। तो पुनः इन क्षेत्रों का हमें बड़े ही विस्तृत रूप से और उन गतिविधियों का अध्ययन करना है।
और यूनिट फर्स्ट का जो अंतिम टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। क्योंकि आपको ध्यान ही है कि वर्तमान में दुनिया के सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा और सबसे भीषण जो समस्या कह सकते हैं वो पर्यावरण संरक्षण की है। दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण एनवायरनमेंट विषय पर अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें आपको इम्पैक्ट पढ़ना है, यानी प्रभाव, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं, भले वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, चतुर्थक, पंचम, अनेकों अनेक गतिविधियां होती है, उनका एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चूंकि आर्थिक भूगोल में हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, कोई भी देश अपने विकास को बनाए रखने के लिए, उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए हमेशा विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करता है, लेकिन उन आर्थिक क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसका हमें भी अध्ययन करना है। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट हो गई। इसमें अब देखेंगे कि मुख्य तौर पर हमें इसमें आर्थिक भूगोल के ABCD को देखना है कि वास्तव में आर्थिक भूगोल क्या है और उसमें हम किन किन पहलुओं का अध्ययन करेंगे। अब देखिए अगला यूनिट सेकंड आपकी। यूनिट सेकंड में नेचुरल रिसोर्सेज अर्थात प्राकृतिक संसाधन, और उन प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उनका मीनिंग, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, अर्थात उनका अर्थ, उनकी परिभाषा और वर्गीकरण। तो एक अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में मौजूद कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो और जो हमारे लिए उपयोगी हो, उसको हम प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं, और जो मैन मेड ना हो, नेचुरल हो, ऐसे रिसोर्स को हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। तो उनका मीनिंग क्या है और उनका क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में इस नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन विभिन्न आधारों पर सूक्ष्म तरीके से किया गया है। फिर अब देखेंगे ये पूरा, इसमें पूरा मुझे लग रहा है कि नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। देखिए जैसे आगे दिया है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका कंजर्वेशन, संरक्षण कैसे किया जाएगा, और उसमें भी दो पढ़ना है, एक तो आपके वाटर और एक फॉरेस्ट रिसोर्स कन्वर्जन। ये देखिए कंजर्वेशन किसका पढ़ना है हमें, वाटर का और फॉरेस्ट रिसोर्स का, क्योंकि वाटर वर्तमान में प्राणवायु के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन माना जाता है, और मानवीय दैनिक घरेलू छोटी मोटी क्रियाओं से लेकर आर्थिक विकास के बड़े से बड़े क्षेत्र इस जल के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जल ही जीवन है, जल ही कल है, जल है तो कल है। तो चूंकि पता है कि लगभग 3/4 पृथ्वी का भाग महासागरों से अर्थात जलीय आवरण से घिरा हुआ है, उसके बावजूद विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न देशों में जल दुर्लभता और जल संकट का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो इसका कारण यह है कि जो 3/4 ग्लोब पर वाटर का जो आवरण है, वो उसमें से लगभग 97% खारा जल है, महासागरीय जल है, लवणता युक्त जल है, जो हमारे ना तो दैनिक उपयोग के काम का है, ना कृषि क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकते हैं, और ना ही औद्योगिक क्षेत्र में इतना वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बचा 3% जो अलवणीय या मीठे पानी का विस्तार है, उसमें भी लगभग 2% भाग तो ध्रुवीय या उच्च पर्वतीय बर्फीले क्षेत्रों के रूप में विद्यमान है, और मात्र 1% जल ही हमारे लिए उपलब्ध है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो निरंतर बढ़ती जनसंख्या और जल की बढ़ती मांग के कारण ये वर्तमान में पर्यावरण के बाद दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इसी को माना जाता है, वाटर को, इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार फॉरेस्ट रिसोर्स महत्वपूर्ण है, क्योंकि फॉरेस्ट से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ तो हमें प्राप्त होते ही हैं। इसके अलावा जलवायु के निर्धारण में, मृदा के संरक्षण में, और वन्य जीवों के घर के रूप में, निवास के रूप में, अर्थात जो हमारी जैविक विविधता है, जिसमें भले वो वन्य जीव हो या वो पादप जगत की विविधता हो, प्रत्यक्ष रूप से इस फॉरेस्ट पर ही निर्भर करती है।
तो इसको हमें पढ़ना है। अगला है चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी जितनी भी इकोनॉमिक जो गतिविधियां हो रही है, आर्थिक गतिविधियां, उनमें क्या उनके पैटर्न में, उनकी प्रकृति में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है ना। ये चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को लास्ट के तीनों टॉपिकों में सम्मिलित किया। देखिए सेम सेम है, और उसमें दो दो टॉपिक लेने हैं। पहले में पढ़ना है माइनिंग और फॉरेस्ट्री क्या है, खनन और जो वानिकी की क्रिया है उसके पैटर्न, उसके नेचर में क्या पैटर्न में चेंज आ रहा है। फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को देखना है यानी कृषि और उद्योग। और अगला है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो आप देखेंगे इसमें ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, व्यापार और जो परिवहन, ये तृतीय सेवा क्षेत्र से सम्मिलित है, सेवा क्षेत्र में आते हैं। हमारा एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर से है, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करता है, और जो माइनिंग और फॉरेस्ट्री है वो भी प्राइमरी सेक्टर से ही संबंधित है। अर्थात जो चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक हमारी एक्टिविटी है उसका चेंजिंग, उसके प्रकृति में क्या बदलाव आ रहे हैं, वो तीनों क्षेत्रों के बदलावों को हमें देखना है। अब देखिए अगली इकाई,